नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव खबर। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। अखंड राष्ट्रवादी पार्टी के मुखिया लालजी सिंह अपने मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अखंड राष्ट्रवादी पार्टी की कार्यकारिणी मीटिंग में हिस्सा लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें लालजी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर लगे दलित एक्ट के आरोप पर कहा कि एक महिला ने शिवराज सिंह पर SC ST एक्ट कानून का प्रयोग करते हुए झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। जब इस कानून का दुरुपयोग करते हुए मुख्यमंत्री को फंसाया जा सकता है तो आम आदमी की क्या हालत होगी। इसके अलावा लालजी सिंह ने पार्टी के विस्तारण के लिए स्पार्क्स संगठन के संरक्षक त्रिवेदी जी से भी मीटिंग की, जहां उन्होंने मिलजुल कर चुनाव लड़ने की रणनीति पर चर्चा की। आपको बता दें कि इस मीटिंग में मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह राठौर और युवा प्रदेश अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह परमार भी मौजूद रहे, जिन्होंने अखंड राष्ट्रवादी पार्टी के मुखिया का जन्मदिन मनाते हुए उन्हें ढेर सारी बधाई दी। जेल दे रही है कि नहीं दे रही है, कि झूठा मुकदमा है, ये भारत सरकार तुरंत इसका निस्तारण।